हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था किंगडम मोनेरा को, किंगडम मोनेरा के क्वेश्चन आंसर्स को भी प्रैक्टिस किया था। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में क्या क्या इंक्लूड है, हमने जनरल बातें पढ़ी थी आर एच विटेकर की टेबल में। आर एच विटेकर की टेबल में हमने किंगडम प्रोटिस्टा की जनरल बातें ये थी कि किंगडम प्रोटिस्टा जो है यूनिसेलुलर होता है, ठीक है, यूकैरियोट्स होते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक दोनों टाइप से हो सकता है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम किंगडम प्रोटिस्टा। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑल सिंगल सेल यूकैरियोट्स प्लेस्ड अंडर द किंगडम प्रोटिस्टा, जो सभी सिंगल सेल यूकैरियोट्स हैं वो प्रोटिस्टा में रखे गए हैं। फर्स्ट लाइन ही काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहां से क्वेश्चन अराइज हो चुका है नीट एग्जाम में हमारे, कि जो सिंगल सेल यूकैरियोट्स हैं वो कौन से ग्रुप में रखे गए हैं। वो रखे गए हैं किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर, ठीक है। इसकी कोई भी बाउंड्री नहीं है, इसकी बाउंड्री कोई भी नहीं है। कुछ जो बायोलॉजिस्ट हैं, कुछ साइंटिस्ट हैं, कि कोई ऑर्गेनिजम्स उनको किंगडम प्रोटिस्टा का लगता है, तो कुछ साइंटिस्ट को वही ऑर्गेनिजम्स किंगडम प्लांट का लगता है, लेकिन हमें इस चीज को यहां इतना कंसीडर नहीं करना, ठीक है। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जो हमने इस बुक में पढ़ना है एनसीईआरटी में, वो कौन कौन सी क्लासेस हैं, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लाइजलेट्स, यूगनिलॉइड्स, स्लाइमोर्स एंड प्रोटोजोन्स। कौन कौन सी क्लासेस हैं फ्रेंड्स? क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लाइजलेट्स, स्लाइमोर्स, यूग्निलॉइड्स एंड प्रोटोजोन्स, ठीक है फ्रेंड्स। ये पांच क्लासेस को हमने किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर पढ़ना है। जनरल बात, प्राइमरी एक्वेटिक प्रोटिस्टा जो होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है, एक क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है फ्रेंड्स। जो किंगडम प्रोटिस्टा है वो इन तीनों किंगडम्स के साथ, प्लांट, एनिमिलिया एंड फंगई, तीनों किंगडम के साथ एक रिलेशन बनाता है, ठीक है। ये डीलिंग लिंक क्रिएट करता है, इन तीनों किंगडम के साथ इकट्ठे एक लिंक क्रिएट करता है किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। जैसे कि हमें पता है कि ये यूकैरियोट है, तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा इसके अंदर, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज होंगे इसके अंदर, ठीक है। कुछ प्रोटिस्टा के अंदर फ्लैजिला और सीलिया भी प्रेजेंट होते हैं, जिनकी वजह से वो मोटाइल होते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन ए सेक्सुअली और सेक्सुअली दोनों तरह से हो सकती है किंगडम प्रोटिस्टा में, बाय सेल फ्यूजन और जायगोट फॉर्मेशन। ये तो थी हमारे किंगडम प्रोटिस्टा की जर्नल बातें। इसमें से हमें ध्यान रखने वाली बातें जो एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं, कि किंगडम प्रोटिस्टा में सभी सिंगल यूकैरियोटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं, यूकैरियोट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये अंडरलाइन कर लीजिए। हमें कौन कौन सी क्लासेस पढ़नी है उनको याद कर लीजिए, ताकि हमें ये पता हो कि इस ग्रुप के अंदर ये इस किंगडम के अंदर ये क्लासेस इंक्लूड है, ठीक है। अब बात करते हैं हम इनकी क्लासेस की। फर्स्ट क्लास कौन सी है फ्रेंड्स? क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस काफी बार पूछा गया है। क्राइसोफाइट्स, क्राइसोफाइट्स के अंदर जो प्रोटिस्टा है वो दो टाइप के हैं, इंक्लूड डायटम एंड गोल्डन एल्गी और डेसमेट्स, ठीक है। ये क्वेश्चन बन चुका है कि गोल्डन एल्गी को क्या नाम दिया गया है, गोल्डन एल्गी को नाम दिया गया है डेसमेट, ठीक है। और डायटम, ये दोनों ही किंगडम प्रोटिस्टा के क्राइसोफाइट क्लास के अंदर इंक्लूड है, ठीक है। दे आर फाउंड इन फ्रेश वॉटर एज वेल एज इन मैराइन वॉटर। ये फ्रेश वॉटर में भी मिलते हैं और समुद्री पानी में भी मिलते हैं। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन दी वॉटर करंट, प्लैंकटोन।
ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं, और ये जो अपना पानी का बहाव है, वाटर करंट है, उसके ऊपर तैरते रहते हैं एज ए प्लैंकटोन्स। ठीक है, ये बातें थी डायटम की, जनरल बातें क्राइसोफाइट्स की। अब डायटम के अंदर जो मेन पॉइंट है इसमें वो ये है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। जो डायटम की सेल वॉल है वो टू थिन ओवरलैपिंग शेल से मिलकर के बनती है, ठीक है, सिलिका की होती है। ये हमारे घर में जो हम सोप बॉक्स यूज करते हैं, साबुनदानी यूज करते हैं, उस तरह से रिप्रेजेंट की गई है, इसलिए एज इन सोप बॉक्स। जो सेल वॉल है वो टू थिन ओवरलैपिंग शेल से मिलती है, फिट, जो आपस में इस तरह से फिट होती है जैसे हमारे घर में साबुनदानी होती है, ठीक है, सिलिका की बनी हुई होती है, इनडिस्ट्रक्टेबल होती है, काफी हार्ड होती है, जो कि टूट नहीं सकती। ठीक है फ्रेंड्स, और डाइएटम हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट देयर हैबिटेट्स, जहां पर वो रहते हैं अपने हैबिटेट में, बाद में एक लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल छोड़ देते हैं, जो कि इकट्ठी होकर के एक स्ट्रोंग डाइएटमस अर्थ क्रिएट करती है। डाइएटमस अर्थ, डाइएटम से जो अर्थ बनती है, डाइएटमस अर्थ, डाइएटम की सेल वॉल वहां पर डिपॉजिट हो जाती है काफी सालों से, ठीक है। तो ये डाइएटमस अर्थ, ये भी क्वेश्चन बन चुका है कि डाइएटमस अर्थ किसकी वजह से बनती है, ठीक है, ध्यान रखिए, इसको अच्छे से अंडरलाइन कर लीजिए, ये पैराग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो डाइएटमस अर्थ कहां यूज होती है, पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स में, और सिरप बनाने में, ठीक है, यूज आ गया हमारा डाइएटमस अर्थ का। और डाइएटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन, ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, आप देखिए इसमें हर लाइन इंपॉर्टेंट आ गई है, इस पैराग्राफ की हर लाइन इंपॉर्टेंट हो चुकी है, इस लाइन में से, इस पैराग्राफ में से नीट एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, इतने से पैराग्राफ में, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। इसको दोबारा से रिवाइज अप करते हैं, जो क्राइसोफाइट्स होती हैं वो हमारी कहां इंक्लूड होती है, किंगडम प्रोटिस्टा की क्लास है, क्राइसोफाइट्स के अंदर क्या क्या इंक्लूड है, डायटम्स और गोल्डन एल्गी, गोल्डन एल्गी को हम डेसमेट्स भी कहते हैं, ठीक है, ये मैराइन वाटर और फ्रेश वाटर दोनों में मिल सकती हैं, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक होती हैं और वाटर करंट के ऊपर, पानी के बहाव के ऊपर एज ए प्लैंकटोन्स मूव करती हैं, ठीक है। डायटम्स के अंदर जो सेल वॉल होती है वो टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स की बनी होती है, सिलिका की बनी होती है, जिसको हम सोप बॉक्स की तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, और ये काफी स्ट्रोंग होती है, जब ये डिपॉजिट काफी सालों तक डिपॉजिट हो जाती है तो उसको डायटमस अर्थ भी कहते हैं, ठीक है, और ये यूज होती है पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स में, और सिर्फ बनाने में। डायटम्स जो हैं वो चीफ प्रोड्यूसर इन दी ओशियन होते हैं, ठीक है, ये सारा पैराग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, इसमें से क्वेश्चन काफी बार पूछे गए हैं, और जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम आपको बता चुके हैं, ठीक है, देखा आपने इसमें से कितनी बार क्वेश्चन आ चुके हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्लास की, हम किंगडम प्रोटिस्टा के डाइनोफ्लैजिलेट्स, ये सेकंड क्लास है किंगडम प्रोटिस्टा की, ठीक है, दे आर मोस्टली मैराइन और फोटोसिंथेटिक, ये मोस्टली मैराइन होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं, इनके अंदर अलग अलग टाइप के पिगमेंट होते हैं, पिगमेंट के अकॉर्डिंग उनका कलर होता है, कोई येलो हो सकता है, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड, ये सब अलग अलग पिगमेंट की वजह से जो है इनके अंदर कलर होता है, ठीक है। द सेल वॉल हैज अ स्टिफ फोर सेलुलर प्लेट ऑन द आउटर सरफेस, इनकी जो सेल वॉल होती है उनके आउटर सरफेस पे सेलुलोज की प्लेट होती है, स्टिफ प्लेट होती है, ठीक है, जो इनको स्ट्रोंग बनाती है। मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला, वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली एंड अदर लाइज ट्रांसवर्सली इन द फ्यूरो,
इन द फ्यूरो बिटवीन द स्मॉल प्लेट्स। अब ये आपके पास डायग्राम है, इसमें ये इस चीज को फ्यूरो कहा गया है, इस गैप को, इस छेद को फ्यूरो कहा गया है। इसमें से दो फ्लैजिला होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनली होता है और एक ट्रांसवर्सली होता है। जो ट्रांसवर्सली होता है वो इस तरह से होता है, ठीक है। हमें डाइनोफ्लैजिलेट्स के बारे में क्या क्या पता चला? डाइनोफ्लैजिलेट्स क्या होते हैं? मोस्टली मैराइन होते हैं, फोटोसिंथेटिक होता है, अलग अलग कलर के पिगमेंट्स होते हैं जिनकी वजह से वो उस तरह के दिखाई देते हैं, रेड कलर, ब्राउन कलर, ब्लू, ग्रीन, येलो, ठीक है फ्रेंड्स। और इनके अंदर दो फ्लैजिला होते हैं, एक होता है लॉन्गिट्यूडनली, एक होता है ट्रांसवर्सली, ठीक है। और जो इसके आउटर सरफेस है सेल वॉल का, वो सेलुलोज प्लेट का बना होता है। इसका एग्जाम्पल गोनोलेक्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल पूछा जा चुका है नीट एग्जाम में, ठीक है। और सेकेंड क्वेश्चन यहां से अराइज हुआ है कि सी अपियर रेड और रेड टाइट्स किसकी वजह से होते हैं? जो डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं वो काफी ज्यादा संख्या में रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद जैसे कि उनके अंदर रेड कलर होता है, रेड पिगमेंट होता है, तो जो सी है, समुंदर है हमारा, लाल दिखने लग जाता है, जिसको हम रेड टाइड भी कहते हैं, ठीक है। रेड टाइड किसकी वजह से? एग्जाम्पल में हमें गोनोलेक्स भी मिल सकता है, ठीक है। ये एग्जाम्पल और ये पॉइंट नोट कर लीजिए आप, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये जो डाइनोफ्लैजिलेट है टॉक्सिन रिलीज करते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में टॉक्सिन रिलीज करते हैं, जो कि फिशीज के लिए काफी नुकसानदायक होते हैं, कि फिशीज जो हमारी फिशीज हैं उनके लिए काफी नुकसानदायक होते हैं, ठीक है। डाइनोफ्लैजिलेट्स की क्लास को एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं कि ये मोस्टली मैराइन होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, अलग अलग कलर के पिगमेंट्स होते हैं इनके अंदर, ठीक है। जो सेल वॉल है उसकी आउटर सरफेस है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है। इनके अंदर दो टाइप के फ्लैजिला होते हैं, जो कि एक लॉन्गिट्यूडनली होता है और एक ट्रांसवर्सली होता है, ठीक है। एग्जाम्पल में गोनोलक्स दिया हुआ है याद रखने के लिए। सी टाइप रेड, ये काफी रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं और जो सी है, समुंदर है, उसको रेड कर देते हैं, और इसको रेड टाइट भी कहा जाता है। टॉक्सिन रिलीज करते हैं जो कि एनिमल्स के लिए, मैराइन एनिमल्स के लिए, जैसे फिशेज हैं उनके लिए काफी नुकसानदायक होता है, ठीक है। इसको अच्छे से अंडरलाइन कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास पे आते हैं हम, दैट इज युग्निलॉइड्स। युग्निलॉइड्स क्या होते हैं? फ्रेश वॉटर। अभी हमने जो दो क्लासेस पढ़ी, क्राइसोफाइट्स और डाइनोफ्लाइजेट, क्राइसोफाइट्स में क्या होता है? वो मैराइन वाटर एज वेल एज फ्रेश वाटर होता है। डाइनोफ्लैजिलेट होता है, मोस्टली मैराइन होता है, और दे आर, अब युग्निलॉइड्स हैं जो, वो फ्रेश वाटर हैं और स्टैग्नेंट वाटर में, ठहरे हुए पानी में रहते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, फ्रेश वाटर होता है और स्टैग्नेंट वाटर में रहते हैं। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव ए प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल। अंडरलाइन कर लीजिए इस लाइन को, काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, क्वेश्चन बन चुका है इस पैराग्राफ में। जहां सेल वॉल की जगह इनके अंदर एक प्रोटीन की लेयर होती है जिसको पेलिकल कहा गया है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। युग्निलॉइड्स की बॉडी जो है वो फ्लेक्सिबल होती है। किस वजह से होती है? क्योंकि प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसको हम पेलिकल कहते हैं। ये क्वेश्चन अराइज हो चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी जैसे डाइनोफ्लैजिलेट्स में दो फ्लैजिला होते हैं, इसमें भी, युग्निलॉइड्स में भी दो फ्लैजिला होते हैं, लेकिन एक शॉर्ट होता है और एक लॉन्ग वन होता है। इसमें दो फ्लैजिला होते हैं, एक काफी लंबाई में काफी ज्यादा होता है, एक छोटा होता है, ठीक है। जैसे कि हमें इस फिगर में दिखाया गया है कि ये जो फ्लैजिला है ये काफी लंबा बनाया गया है और इसकी कम लंबाई काफी शॉर्ट दिखाई गई है, दो फ्लैजिला की। ये युग्निलॉइड्स का एग्जाम्पल है युग्लिना।
ठीक है। इसके अंदर क्या खास बात होती है फ्रेंड? दे एक्ट एज फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जैसे ही सनलाइट मिलती है ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन जब वो डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट, डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट का मतलब जब उन्हें सनलाइट नहीं मिलती, दे बिहेव लाइक हिटरोट्रोप्स बाय ब्रीडिंग ब्रीडेटिंग ऑन अदर स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इनके अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपने देखा कि फोटोसिंथेसिस भी हो सकता है और हिटरोट्रोफिक भी हो सकता है। हिटरोट्रोफिक में ये पैरासाइटिक हो सकते हैं। ठीक है, जब उनको सनलाइट मिल जाती है तो वो फोटोसिंथेटिक बन जाते हैं, और जब उनके अंदर सनलाइट नहीं मिलती तो वो पैरासाइटिक हो सकते हैं स्मॉलर अदर ऑर्गेनिजम्स पे। ठीक है, जो इसके अंदर पिगमेंट प्रेजेंट है, जैसे इसके अंदर यूग्निलॉइड्स के अंदर जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है वो आइडेंटिकल सा लगता है जैसे कि प्लांट्स में मिलता है। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट हो सकती है इस पैराग्राफ में। ये लाइन सबसे पहले आप अंडरलाइन कर लीजिए, प्रोटीन रिच लेयर वाली, पेलिकल वाली। ठीक है, टू फ्लैजिला, शॉर्ट और लॉन्ग वंस। ठीक है, एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट है यूग्निलॉइड्स का, यूग्निना, यूग्निना से ही यूग्निलॉइड्स बना है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में हम दोनों जो बाकी क्लासेस बची हैं किंगडम प्रोटिस्टा की, कौन कौन सी बची हैं, स्लाइमोर्स और प्रोटोजोन्स, उनको डिस्कस करेंगे। लेकिन अब तक आप इस चीज को, इन तीनों क्लासेस को, काफी इंपॉर्टेंट है जिसमें से क्वेश्चंस काफी बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से रिवाइज अप कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में जब हम स्लाइमोर्स और प्रोटोजोन्स पढ़ेंगे तो आप सबको ये अच्छे से रिवाइज अप होना चाहिए। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, हमें व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पर फोन करके पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।